guys, today I'm going to tell you the crystal sea story. And the storybook name is Sweet Crystal Leela. And the chapter name is Dust Lots of Guns. So let's start. कंस मधुला का नगर काम दुष्ट राजा था। वह बहुत निर्दय था, लेकिन अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेहा लगता था। देवकी कहा वह सुरसन पुत्रम वासुदेव से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता था कि वह स्वयं स्वयं देवकी और वासुदेव को रथ का हांगता हुआ चल पड़ा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई थी, हे मकर कंस, क्या तू जानता भी है कि तुम किसका नाम हांग रहा है? वासुदेव और देवकी की बात हुई, वासुदेव और देवकी की आधुरी संतान के हाथ देना हुआ धोखा। वे ये सुनकर कंस सा गुस्से से पलट गया। उसने रथ रोका और अपनी तलवार मयान से कितनी वे देवकी के हत्या करना चाहता था। तभी वासुदेव ने कहा, हे कंस, मेरे पत्नी की हत्या मत करो। अगर तुम मेरे और मेरी पत्नी का क्रॉस नहीं रोके तो मैं स्वयं अपनी सारी संतान उनके जन्म को तुरंत बाद तुम हो दी दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस शांत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव को कानाकान में डाल दिया। संत ये थी कि सैसी ही उनकी संतान जन्म ले वैसे ही वे उसे कंस को संबंध थे। नारद जी एक देवे संत थे। एक दिन वे कंस के पास जाकर बोले, हे कंस, तूने मेरी बहुत अच्छी स्वागत किया है, इसलिए मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। तो देवकी और वासुदेव को आतुए पुत्र से संतान रहना। वे भगवान कृष्ण का अवतार होगा।
होके ये सुनकर लाक्षा कंस हंसने लगा और बोला, मैंने अत्यंत ताकतवर हूँ, अगर चाहूँ तो किसी देवता को भी मार सकता हूँ। मैंने पहले ही देवकी और वासुदेव को कालाकर में डाल दिया है। मैं उनकी हर संतोष का होता ही मार दूंगा। ऐसे मैं मुझसे क्या पाए तत्पश्चात दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव को सोमपच्छा को सनम लेता ये मार दिया। अब देवकी और वासुदेव आंसू पहने की अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सब साधुएं संतान का चरम हुआ उन्होंने वाला दान दो देव की बहुत दुखी थी। ऐसे मैं भगवान विष्णु ने उसका हाल कुछ निकाला। वासुदेव की दुश्मनी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने उसका हाल कुछ निकाला। वासुदेव की दुखनी पत्नी हुई कोगली में लहती थी। भगवान विष्णु ने सातवें पुत्र का लहना का रूप में पूछ दिया। ऐसे तो दुष्ट कंस ने हाथों मन चाना से पच्छा किया। क्या मैं पूछ दिया। ऐसे टूटे हुए दुष्ट कंस को हाथों मार छाने से बच गया। सातवें पुत्र का नाम पुल्लाम रखा गया। देवकी और वासुदेव को सातवीं संतान का सुलाम सिद्ध हो गई था। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु शुद्ध रोतक हुए। उनके उनके आने में से कानपुर में उत
चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आठवें पुत्रों का रूप में जन्म लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को बताया कि अब उन्हें क्या करना होगा। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे मित्र नंद गोकर्ण में कपली की मुखिया हूँ। उनकी पत्नी यशोदा एक पुत्री का जन्म देने वाली है, जिसका नाम वेकमाया होगा। जब मेरे जन्म होता तुम्हें मुझसे इस कारागार से निकाल कर होकर मैं अपनी मित्रानंद को पास ले जाना और यज्ञमाया को इस कानगर में से आना। वासुदेव ने कहा, प्रभु मेरे पूलन पे बली है, मैं इस कानगर से बाहर नहीं निकल सकता। वैसे मैं गोकुल साकल ये काम कैसे कर सकूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, वासुदेव संतुष्ट हो गए। अब देवकी और वासुदेव को ये यकीन हो गया कि उनका नवजात पुत्र को कोची पे नहीं मार सकेगा, लेकिन उन्हें यज्ञमाया की चिंता होने लगी। वासुदेव ने भगवान विष्णु को कहा, कंस तो यज्ञमाया काम। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, यज्ञमाया कोही ने मल सकता, वे दाम केवल कंस को छह दवाली तू के शिशु की मैम आयन की और फिर उपने तम
पर देवकी और आशुतोष ने आनंद की सीमा में लहा रही वे सबसे समझ गए कि उनकी सभी प्रकार की संता मूल सब कुछ भगवान विष्णु को क्या नानुसन की क्योंकि वे शिव को पालक हूँ। फिर समय उन पर सॉरी तत्ना उसी प्रकार संपन्न हुआ। So the chapter is end, and thank you for watching this video. Sorry. And do you like the story? Write on the comments. So bye bye. Have a nice day. See you in my next video.